हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल स्वाइप पे। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास में है पेटीएम के बारे में। पेटीएम में जो अलीबाबा की हिस्सेदारी है, उसमें से उन्होंने 3% एक ब्लॉक डील के थ्रू सेल कर दिया है, जिससे कि पेटीएम का जो शेयर है वो 9% तक डाउन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे खबर है दोस्तों चैट जीपीटी के रिगार्डिंग। चैट जीपीटी एक एक चैट इंटरफेस है जिसमें आपको कमांड देता है और वो आपको उसका रेस्पॉन्स देता है। काफ़ी पॉपुलर हुआ है। अगर आपने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया तो इसे chat.openai.com पे जाके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड खबर ये है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इसका यूज जो है वो स्पाईवेयर, एक तरीके का डेटा चुराने का कोई एक टूल होता है, स्पाईवेयर बोलते हैं उसे, तो उसे कोडिंग करने के लिए वो लोग चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि चैट जीपीटी को अगर आप कोई कमांड देते हैं, कोई कोड लिखने के लिए कहते हैं, तो वो कोड आपको लिख के दे देता है। तो उसका यूज़ करके वो ऐसे ही बिल्कुल इतने खतरनाक टूल्स बना रहे हैं जिनसे कि यूजर्स का डेटा आसानी से चुराया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा बहुत खतरनाक है ये साइबर वर्ल्ड के लिए। गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन भी कर रही है कि एआई के जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कैसे कम किया जाए। तो हो सकता है कि इसके लिए कोई पॉलिसी आ जाए। देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास में खबर है पेयू के बारे में। पेयू दोस्तों एक पेमेंट एग्रीगेटर है। अगर आपने कभी कुछ ऑनलाइन ख़रीदा है तो आपको ये भी आपको भी पता होगा पेयू के बारे में। तो आरबीआई ने इन्हें कहा है कि आपको जो अपना पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस है वो वापस से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट खबर है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी में $10 बिलियन का इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। अभी चैट जीपीटी के पीछे जो जो ऑनर है इनके ओपन ही है, उनसे इनकी बातचीत चल रही है। तो अगर ये डील पक्की हो गई तो कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका $10 बिलियन जो है उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। और आगे शायद ये इंटीग्रेट भी कर दें इनका जो सर्च इंजन है बिंग के साथ में इसे, तो ये और भी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपको इस हमारे वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगली खबर है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में $100 बिलियन के रेवेन्यू को पार कर दिया है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन्हें। अगली खबर दोस्तों अश्विनी ग्रोवर से रिलेटेड है। अश्विनी अपना अगला स्टार्टअप लेके आ रहे हैं द थर्ड यूनिकॉर्न नाम से, और इन्होंने अभी लिंक्डइन पोस्ट डाली थी, तो उसके जरिए इन्होंने शेयर किया कि ये अपना बूटस्ट्रैप स्टार्टअप लेके आ रहे हैं। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि खुद के पैसे से स्टार्ट किया हुआ, अभी तक खुद का पैसा ही लगा हुआ है उनका। तो ये उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी मतलब मार्केट को हिला देने वाला होगा, तो इसी टाइप से ये बोलते हैं, तो वैसे उन्होंने लिखा भी है। तो देखते हैं आगे क्या बड़ा बम फोड़ता है मार्केट में, क्या बड़ा लेके आता है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो भी दो स्टार्टअप किए थे, भारत पे और ग्रोफर्स वाला, तो वो सक्सेस साबित हुए थे। अभी देखते हैं कि इसका क्या होता है। अगली खबर पे चलते हैं दोस्तों, NCBI ने 10 कंट्रीज़ के लिए UPI पेमेंट को इनेबल करने का डिसाइड किया है। उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें हम UPI पेमेंट को इनेबल कर देंगे, जिससे कि वहाँ के NRI जो हैं वो पेमेंट UPI का यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे कंट्रीज़ में नाम है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे नाम है यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, कतर, UAE, साउथ अरेबिया और हांगकॉन्ग। तो ये कंट्रीज़ हैं, तो इन पे UPI इनेबल हो जाएगा। वहाँ के जो NRIs हैं वो इस सुविधा का, UPI वाली जो फैसिलिटी, उसका यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों आखिरी खबर यहाँ पे शार्क टैंक 2 से रिलेटेड है। यहाँ पर एपिसोड का एक प्रोमो आया था, अभी कमिंग एपिसोड है शायद, तो उसमें YouTube पे वीडियो है, तो उसमें लिखा गया है कि कैसे अनुपम मित्तल जो हैं shareit.com के ऑनर, तो वो कुछ कहते हैं और नमिता थापर उनको बोलती हैं कि कीप योर ईगो इन चेक। तो आप वीडियो देख सकते हैं और मैं लिंक भी दे दूंगा यहाँ पर, तो लिंक पे भी जाके आप पूरा जो प्रोमो है वो देख पाएंगे। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ऐसी खबरों को और देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे अलविदा लेते हैं अभी। जय हिंद, जय भारत।